अस्सलाम वालेकुम तलाई वरका। तो तमाम दोस्तों का सलाम लिया, सबके लिए मैं तेरे से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त शेख रशीद खादरी। दोस्तों आपकी खिदमत में शबे बारात का खास अमल लेकर हाजिर हूँ। जानो माल की हिफाजत के लिए बेहतरीन अमल है। जैसा कि दोस्तों जानो माल की हिफाजत, आप किसी बीमारी में मुब्तला है, अगर आपके ऊपर मुसलसल जादू किया जा रहा है, आपके कारोबार पर आप हादसों का शिकार हो रहे हैं, अब हमेशा परेशान रहते हैं, आपकी हिफाजत नहीं होती, आपके फर्ज अपने शोहर के लिए, अपने बेटे के लिए, बाप के लिए, अगर अपने खुद अपने लिए अगर आप करना चाहें, तो इस साल इस रात माशाल्लाह बहुत ही मुबारक तरीका अमल का मैं बता रहा हूँ। तो अल्लाह सुब्हान तआला पूरे साल आपकी जानो माल की हिफाजत फरमाएगा हर हादसों से, मुसीबतों से, जादू से, परेशानियों से, तंगदस्ती से, कारोबार की मुफलिसी से, बेचैनी से, परेशानी, जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी परेशानी में आप मुब्तला हैं, घिरे हुए हैं, सारी चीज़ों से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। इस शबे बारात का खास अमल है दोस्तों, अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सवाब जारिया की नीयत से माशाल्लाह आप अपने खुद के लिए भी कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, करके दे सकते हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ा मसला नहीं है, 15 से 20 मिनट का बस एक वक्त है। माशाल्लाह आप निकालेंगे, रात भर तो इबादत करते ही हैं, तो इस अमल को शामिल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह बहुत ही खास आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो सूरह बकरा की आयत का अमल है दोस्तों, शबे बारात की रात आप बाद नमाज ऐशा नफिल ना, जो भी शबे बारात की नमाजें होंगी अदा करने के बाद, 2 रकात नफिल नमाज आपको अदा करनी है अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए, अपनी जो भी आपका मसला, जो भी आपकी परेशानी, इसके लिए हाजत के लिए तब 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। जानो माल की हिफाजत के लिए ऐसे पढ़ता हूँ, या अल्लाह मैं इस मेरी नमाज को कबूल फरमा। पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम को 11 मरतबा पढ़ेंगे। सूरह बकरा की आयतें मैं आपको स्क्रीन पर भी बता रहा हूँ, आखिरी आयतें सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं। आमन रसूल से आखिरी तल काफिरुन तक आपको पढ़ना है, 21 मरतबा मैं आपको स्क्रीन पर भी बता रहा हूँ, आप देख लें। माशाल्लाह दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़ने के बाद 21 मरतबा इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम को पढ़ेंगे। फिर अल्लाह सुब्हान तआला से अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए, अपनी जो भी परेशानी है, इसके लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, दुआ करें। अल्लाह ताला सारे साल आपके माशाल्लाह जान की माल की मुसीबतों से, हादसों से, बीमारियों से, जादू से, बदनजर से, तमाम परेशानियों से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। जरूर माशाल्लाह हमारा अपने अपने खुद के लिए एक बार कर लीजिएगा, आप अल्लाह ताला से कबूल फरमाने वाला है। तो आप जरूर हमारे हक में भी दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। यह था आसान सा शबे बारात का खास अमल जानो माल की हिफाजत के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम तल्लाही वबरकातुहू।